लोग चाय मंगवाते, चाय तो एक दो चाय मंगवाते होंगे तो 20 रुपए उसी टाइम नहीं देते हैं कोई? नहीं देते हैं, कोई भी करे बाद में हो जाएगा, बाद में ले लियो आप पैसे। मांगते भी हैं पर लोग करे चलो बाद में कर लेंगे। मकसद इतना है, देखिए कोई बड़े बड़े इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी जो है इतना वो नहीं है, साधारण खबर बता रहे हैं आपको। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों तक मैसेज पहुंच सके, समझ सके। सिर्फ बोबी की बात नहीं, ऐसे कई हमारे व्यवसायी, छोटे व्यवसायी जो है, चाय वाले भाई है जो चाय बेचते हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा होता होगा। ऐसे में एक संदेश जाए कि इनका भी, इन लोगों ने भी गुजर बसर करना है। 10-20 रुपए की आप चाय पी रहे हैं, उसका भी कौन हिसाब रखेगा? तो जो है मुसीबतें, मुश्किलें, समस्याएं देश में बहुत है, उनमें से ये भी एक समस्या है। अगर नहीं दिए तो वाकई में बंद कर दोगे? फिर बंद करनी पड़ जाएगी। ये किसी का रोजगार है, अगर आप में से कई लोगों ने नहीं दिए तो वाकई में दे दे पैसे इनके। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का पैसा है, 10-10 रुपए जोड़ रहे हैं। 10 ही रुपए की चाय है, इसमें कोई 1000 रुपए का सामान थोड़ी इनके पास। 10 रुपए की चाय है और बेहतरीन चाय बनाते हैं। बाईपास, बांगरन बाईपास पे इनकी दुकान है और बहुत ईमानदार शरीफ आदमी है बॉबी भैया। ठीक है बॉबी भाई, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और आपको दुआएं भी मिलेगी पूरे हिमाचल से, उत्तराखंड से, जम्मू से, दिल्ली से हमारे दर्शक देखेंगे, दुआएं भी देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों नमस्कार, पांवटा साहिब बाईपास पर इस वक्त हम मौजूद है। बॉबी चाय वाले जो है, कई लोग पांवटा साहिब में इन्हें जानते हैं। दुकान यहाँ की, यहाँ पर इनकी बाईपास पे है, बांगरन बाईपास पर जो है, ऊपरी मंजिल पर। लेकिन चाय ये यहाँ से 100-200 मीटर आगे दुकानों तक पहुँचाते हैं, टिफ़िन में, कैतली में। कितना दूर तक पहुँचाते हो बॉबी भाई चाय? यहाँ से तोमर की दुकान तक, आगे तक आप पहुँचाते हैं? हाँ, बैंक तक। हाँ, मेहनत लगती है, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, पहुँचाते हैं। बरसात होती है तब लोग ज़्यादा मांगते हैं। खैर, खबर ये नहीं है। चाय की इनकी अपनी दुकान है और इसी तरीके से कई और चाय वाले पूरे भारत देश में हैं और सबसे ज़्यादा चाय पी भी जाती है। लेकिन बॉबी चाय वाले से अब जब हमारी बात हुई, हमने कहा कि जो है इनके चाय को लेकर, दुकान को लेकर बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि जो है मैं अब गर्मियों में इसे बंद करने वाला हूँ। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? और तो इन्होंने कहा कि देखिए उधार इतने हो गए हैं पैसे लोगों पर कि वापस नहीं देते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ अब, और अब मैं जो है दुकान बंद कर देना चाहता हूँ। तो आज की तारीख में महंगे महंगे जो है शॉपिंग लोग करते हैं, जाते हैं, वहाँ पर कोई उधार नहीं चलता है, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो चाय बेचकर जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसको आप 10 रुपए की चाय है तो 10 रुपए नहीं दे रहे हैं। 10-10 दिन तक जो है, एक एक पता नहीं कितने दिन तक, हमें तो अभी ये पता चला कि उधार बहुत है। तो इनसे बातचीत करेंगे, वो भी है हमारे साथ। खबरों पे बहुत रुचि है इनकी, ज़्यादातर इनसे हमारी बात खबरों को लेकर, न्यूज़ चैनलों को लेकर होती है। बहुत रुचि है, इतना किसी लोग को मालूम नहीं होगा, इतने चैनलों के नाम इन्हें पता है, ये भी पता है कौन उस पर काम करता है, कैसी खबरें हैं, सब देखते हैं। तो इसलिए इनसे ज़्यादा हमारी बातचीत होती है। बॉबी भाई क्या नाम है पूरा? बॉबी पाल है मेरा नाम। पांवटा के ही रहने वाले हैं? पांवटा के ही है। तो ये बताइए कितने समय से चाय की दुकान चला रहे हैं? 3 साल से चला रहे हैं। 3 साल से? 3 साल हो गए। तो अभी आपने बताया कि बंद करना पड़ेगा जो है, कितने समय से उधार रहते हैं लोग चाय मंगवा, चाय तो एक दो चाय मंगवाते होंगे तो 20 रुपए उसी टाइम नहीं देते हैं कोई? नहीं देते हैं, कोई भी करे बाद में हो जाएगा, बाद में ले लियो आप पैसे। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा फिर, कितनी चाय लिखना पड़ेगा? ये भी लिखना पड़ता है जी, पर इसके बारे में कुछ बताते हैं ना, नजर ना दोबारा आते हैं। तो दुखी हो गए आप और बार बार मांगते भी, एक मांगते भी होंगे आप? मांगते भी हैं पर लोग कह रहे चलो बाद में कर लेंगे। तो इतने देखिए आप किस तरीके से करते हैं लोग, और मकसद इतना है, देखिए कोई बड़े बड़े इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी जो है इतना वो नहीं है, साधारण खबर बता रहे हैं आपको। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों तक मैसेज पहुंच सके, समझ सके। सिर्फ बॉबी की बात नहीं, ऐसे कई हमारे व्यवसायी, छोटे व्यवसायी जो है, चाय वाले भाई है जो चाय बेचते हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा होता होगा। ऐसे में एक संदेश जाए कि इनका भी, इन लोगों ने भी गुजर बसर करना है। 10-20 रुपए की आप चाय पी रहे हैं, उसका भी कौन हिसाब रखेगा? तो जो है मुसीबतें, मुश्किलें, समस्याएं देश में बहुत है, उनमें से ये भी एक समस्या है। तो अगर नहीं दिए तो वाकई में बंद कर दोगे? फिर बंद करनी पड़ जाएगी, नहीं तो फिर मुश्किल है बहुत शायद। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों को आप? क्या कहना चाहते हैं जी, क्या बताएं? अगर पैसे दे दे अभी कुछ दिन, अगर लोगों ने मानो, पांवटा में तो वीडियो देखते ही है लोग, अगर लोगों ने आपके पैसे लौटा दिए वीडियो देखने के बाद, तो फिर ओपन रखोगे? ओपन रखेंगे फिर तो।
चलिए फिर देखिए, किसी का रोजगार है उसके बाद जो है, और चाय की दुकान है, अच्छी चाय मिलती है, किसी का रोजगार है। अगर आप में से कई लोगों ने नहीं दिए हैं तो वाकई में दे दे पैसे इनके, और इसमें कोई अतिशयोक्ति शर्माने वाली बात नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का पैसा है, 10-10 रुपये जोड़ रहे हैं, 10 ही रुपये की चाय है, इसमें कोई 1000 रुपये का सामान थोड़ी इनके पास, 10 रुपये की चाय है और बेहतरीन चाय बनाते हैं। बाईपास बांगरन बाईपास पे इनकी दुकान है और बहुत ईमानदार शरीफ आदमी है बॉबी भैया। ठीक है बॉबी भाई, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और आपको दुआएं भी मिलेगी, पूरे हिमाचल से, उत्तराखंड से, जम्मू से, दिल्ली से हमारे दर्शक देखेंगे, दुआएं भी देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।